स्वागत है आपका हमारी इस पहली एकेडमिक वीडियो में, जिसका टॉपिक है प्योरिटी इज़ पावर। वैसे ये टॉपिक नहीं है, चैप्टर का नाम है क्लास ट्वेल्थ में। और इसमें बताया गया कि हम लोग हमेशा से, हमारी इच्छा ही रहती है कि हम प्योरिटी को चाहते हैं। हमें प्योर पानी चाहिए, प्योर वातावरण चाहिए, प्योर फूड चाहिए, सब कुछ प्योर चाहिए। क्योंकि प्योरिटी क्या लाती है? प्योरिटी आपको शुद्ध बनाती है, प्योरिटी आपको फिट बनाती है। अगर आप खराब खाना खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, अगर आप शुद्ध खाना खाएंगे, प्योर खाना खाएंगे तो आप सही रहेंगे। इसी प्योरिटी को समझाने के लिए हमारे चैप्टर में चार कहानियाँ बताइए, दुर्योधन और युधिष्ठिर की, बावाहरी बाबा की, ऋषि गौतमा की और टू पैरट्स की। सबसे पहले मैं जो कहानी लूँगा वो दुर्योधन और युधिष्ठिर की लूँगा। इसमें गुरु द्रोण एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन को, दोनों को अलग अलग समय पर बुलाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि जाओ बेटा, आप एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। कहते हैं उनसे, दुर्योधन से, कि भाई जाओ बेटा एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ। और युधिष्ठिर से कहते हैं जस्ट उल्टा, कि भाई जाओ बैड पर्सन ढूंढ कर लाओ एक इस सोसाइटी में से। दोनों शाम को जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। ना तो दुर्योधन एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर ला पाया, ना युधिष्ठिर एक बुरा व्यक्ति ढूंढ कर ला पाया। जब गुरु द्रोण ने दोनों को बताया कि मैंने भाई तुम दोनों को इस काम पर भेजा था, तो दोनों को आश्चर्य हुआ। और सेम शहर में, सेम सिटी में, तो दोनों को आश्चर्य हुआ कि यार इसको एक बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि इसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला युधिष्ठिर को, क्योंकि जब युधिष्ठिर ढूंढने गया तो उसको एक बुरा नहीं मिला था, और दुर्योधन ढूंढने गया तो उसको एक अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। तो गुरु द्रोण ने उन्हें समझाया कि बेटा तुम दोनों के दिक्कत यहाँ हुई कि तुम्हारे विजन की। देखो दुर्योधन का जो विजन था वो बैड विजन था, वो बुराई देखता था, सब में नेगेटिविटी देखता था। तो उसको कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव दिखाई नहीं दिया, कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं दिखाई दिया। और युधिष्ठिर जो था भला मानस था, अच्छा व्यक्ति था, तो उसको हम मतलब हर व्यक्ति क्या दिखाई दिया, अच्छा व्यक्ति दिखाई दिया। तो दोनों खाली हाथ आ गए। तो ऋषि द्रोणाचार्य जी ने बताया कि भाई ये तुम्हारे विजन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। सीधा सा गणित है, जैसा आपका विजन होगा वैसे ही आपको लोग दिखाई देंगे। अगर आप बुरे हैं तो आपको लोग बुरे दिखाई देंगे, अगर आप अच्छे हैं तो आपको लोग सभी अच्छे दिखाई देंगे। आप अगर पॉजिटिव देखते हो तो पॉजिटिविटी दिखाई देगी, नेगेटिविटी देखोगे तो आप नेगेटिव पर्सन हो। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। दूसरी कहानी है पावाहरी बाबा की। पावाहरी बाबा बहुत ही अच्छे बाबा, बहुत अच्छे संत, गाँव के बाहर जंगल में रहते थे। एक दिन भाई खाना वाना खा के सो गए पावाहरी बाबा। पावाहरी बाबा की जो झोपड़ी थी, एक घर बनाया था उन्होंने, झोपड़ी बनाई थी, उस झोपड़ी में वो सो रहे थे। और उसी समय वहाँ पर एक चोर आता है। चोर बेचारा भूखा था, उसने सोचा चलो खाना ही चुरा लेते हैं। तो वहाँ पे जो बर्तन रखे हुए थे, चार बर्तन, उनमें से दो बर्तन लेके वो भाग गया। वो आवाज़ हुई बर्तनों की तो पावाहरी बाबा भी उठ गए नींद से। उन्होंने देखा कि वो दो बर्तन ही लेके गया, तो पावाहरी बाबा उसके पीछे वो दो दूसरे बर्तन लेके भागे। और भागते भागते जब चोर ने देखा कि पावाहरी बाबा दो बर्तन लेके आ रहे हैं, तो चोर ने सोचा कि यार ये क्यों लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने, चोर रुक गया, तो पावाहरी बाबा उसके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटा जो तुम फूड लेकर आए हो वो तुम्हारे लिए इनसफिशियंट है, आप पूरा फूड लेके नहीं आए, आपको आपसे इससे आपका पेट नहीं भरेगा, आपको ये दो भी रख लो, ये भी खाओ, बेटे को आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात नहीं मानेंगे वो चोर, वो जो थीव था वो चोर फिर एक अच्छा व्यक्ति बन गया। इससे हमें साबित होता है कि अगर हम काइंडनेस रखते हैं, दयालुता, दया दिखाते हैं, तो हम लोग एक बुरे व्यक्ति को भी बदल सकते हैं। जैसा कि अनिल ने हरि सिंह को बदला था, वैसे हरि सिंह नाम नहीं था उसका, वो हर महीने नाम बदलता था। उस चोर को अनिल ने हरि सिंह को बदल दिया था पूरी तरीके से, अपनी दयालुता और अपने अच्छे व्यवहार से, केवल मात्र एक अच्छे प्रॉमिस के चक्कर में कि भाई मैं तुझे वो पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। अगली जो कहानी है वो है ऋषि गौतमा की। ऋषि गौतमा की जो कहानी है, ऋषि गौतमा नामक के ऋषि रहते हैं, जो चाहते हैं कि भाई उन्हें बहुत सर्टेन पावर्स मिल जाए, बहुत बढ़िया पावर्स। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं तपस्या करूँगा, और वो तपस्या में सफल भी हुए,
लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पावर्स मिल गई। तो अगली सुबह जब वो नदी पे नहाने गए तो नदी पर एक पेड़ था नदी के साइड में, वो नहाने डुबकी लगाई उन्होंने। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई, जैसे वापस बाहर आए तो नदी के एक ब्रांच पर, मतलब पेड़ की एक ब्रांच पर एक क्रेन बैठा हुआ था। वो क्रेन ने उनके ऊपर पोटी कर दी। तो उनको गुस्सा आया, ऋषि गौतमा को दिमाग खराब हो गया उनका, उन्होंने उसकी तरफ घूर कर देखा ऐसे करके। और जैसे उन्होंने देखा उस पक्षी की तरफ, वो पक्षी नीचे गिर गया, मर गया उनके देखने भर मात्र से। इस पर बहुत खुश हुए ऋषि गौतमा। ऋषि गौतमा इतने खुश हुए कि भाई आज तो माहौल हो गया, मतलब भयंकर, मैंने इतनी पावर्स आ गई मेरे अंदर, इतनी ज़्यादा शक्ति आ गई कि मैं केवल मात्र देखने भर मात्र से मैं मार सकता हूँ किसी को भी। उन्हें खुशी हुई बहुत ज़्यादा, ईगो आ गया, एटीट्यूड आ गया, प्राउड आ गया। अब ऋषि, आप लोग जानते हैं ऋषि लोग खाना बनाकर खाते नहीं हैं, वो शहर में गांव में मांगने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं। भिक्षा मांगने जब वो गए तो जो जिस घर के यहाँ वो भिक्षा मांग रहे थे, उन्होंने बोला भिक्षा हम दे, भिक्षा हम दे। लगभग उनको आधा घंटा हो गया, जो लेडी थी वो नहीं आ पाई, उनको बहुत गुस्सा आया, भयंकर गुस्सा आया। तो लेडी जैसे घर के बाहर निकलती है और वो खाना लेके आती कि लो साधु महात्मा जी, तो ऋषि गौतमा जी उसकी तरफ वैसे ही देखते हैं जैसे कि उन्होंने उस पक्षी की तरफ देखा था, क्रेन की तरफ। इस पर कुछ हुआ नहीं, वो लेडी मरी नहीं, और उल्टा लेडी बोलती है कि महात्मा जी, साधु जी, ऋषि जी, मैं कोई सारस नहीं हूँ जो आपके देखने पर मात से मर जाऊंगी। एक सही साधु क्या होता है, सही ऋषि क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। एक पता, एक एड्रेस दिया कि वहाँ जाना, अगर आप कुछ चाहते हो आप कि एक ऋषि, एक साधु कैसा होता है, तो आप वहाँ जाइए, मैं पता दे रही हूँ आपको। जब ऋषि महात्मा, ये जो गौतम बुद्धा जी हैं, बुद्धा जी नहीं है वैसे, गौतम ही है, ऋषि गौतम, ये जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो कोई और व्यक्ति नहीं, एक ऑर्डिनरी पर्सन था जो लोगों के काम कर रहा था। जैसे महात्मा को देखा, ऋषि महात्मा को देखा उन्होंने, तो उस बंदे ने कहा बैठो बेटा, सॉरी बैठो बैठो महात्मा जी, आप ऋषि जी, और थोड़ी देर वेट करो, मैं भी थोड़ा फ्री होकर आपसे बात करता हूँ, फिर चलते हैं हम घर पे चलेंगे। तो ऋषि गौतमा जी ने वेट किया, वो आदमी कुछ नहीं किया, उसने ऑर्डिनरी काम किया, जो कर्तव्य उसके थे, वो ड्यूटी, जो एक्शन थे, डेली रूटीन के वर्क्स पूरे अपने शिद्दत से किए, 100% के साथ किए। और जब वो फ्री हो गया, तब उसने उससे बोला कि चलो अब चलते हैं महात्मा जी, अपन घर चलते हैं। घर गया तो घर पे भी उसने कहा कि थोड़ी देर आप वेट कीजिए, मैं मेरे पापा मम्मी, मेरे जो ड्यूटीज़ हैं, मेरे पापा मम्मी की जो सेवा है उनको पूरा करके मैं आपसे बात करता हूँ। फिर जब उसने बात की तो ऋषि गौतमा जी ने कहा कि भाई तुम ऐसे कोई विशेष व्यक्ति तो लग नहीं रहे जिसने कोई तपस्या वगैरह की हो, ज्ञान वगैरह अर्जित किया हो, तुम तो बिल्कुल मतलब मेरे को ऐसे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति लग रहे हो, शायद तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो ज़्यादा। तो ऋषि गौतमा को उस व्यक्ति ने समझाया कि जरूरी नहीं है एक साधु संत, एक सिद्ध पुरुष बनने के लिए आपको कोई विशेष तपस्या वगैरह करनी पड़े, अगर आप अपने काम को ही 100% के साथ में करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, एक साधु बन सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी अपना 100% देना है, कोई भी काम करो 100% के साथ करो और बेहतर बनो। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमारा 100% देना है, हमारी ड्यूटीज़ जो है वो सब कुछ कंप्लीट करनी है। तीसरी, चौथी कहानी जो हमारे सामने आती है, टू पेरेट्स की। टू पेरेट्स क्या है भाई? देखो, कई बार क्या होता है, हमें अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है ना, उसके थ्रू भी हम एक अच्छे व्यक्ति बनते हैं। तो टू पेरेट्स की कहानी यही है। इसमें क्या होता है, एक पेरेट मदर के टू बेबीज पैदा होते हैं, दोनों एक ही माँ के जाए हुए। दोनों तोतों को अलग अलग बंदा पालता है, एक को पालता है शिकारी और एक को पालता है ब्राह्मण, अच्छा व्यक्ति, जो सज्जन व्यक्ति है, वो व्यक्ति पालते हैं दोनों। तो जो शिकारी के द्वारा पाला गया था वो खराब वर्ड्स बोलता है, बहुत बुरे बुरे गाड़ा बकता है, और जो सज्जन व्यक्ति के द्वारा पाला गया था वो जो तोता है वो बहुत सज्जन व्यक्ति की तरह बात करता है, राम राम बोलता है, जय श्री राम बोलता है, बेहतर बोलता है, अच्छी बातें करता है, नोबल है ना, बहुत सबसे ग्रीटिंग वर्ड्स अच्छे यूज़ करता है, ये तो बहुत अपशब्द बोलता है। इससे क्या साबित होता है भाई? देखो, तोते अपन अपने तरफ ले लो, मतलब अपने ऊपर ही ले लो आप। अगर आपको एक अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपका एनवायरनमेंट भी, आपकी कंपनी, आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के व्यक्ति बनोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे लोगों को चुनो, प्योर लोगों के चुनो, प्योर एनवायरनमेंट चुनो रहने के लिए, लोगों का साथ लो तो
जो प्यूरिटी से भरे पड़े हैं लोग, पॉजिटिव व्यक्ति हैं, उनके साथ रहो, नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहोगे, नेगेटिव एक नेगेटिव थॉट आपका दिमाग खराब कर देगा बच्चों। एक नेगेटिव थॉट पूरी पूरी की पूरी पिक्चर फ्लॉप कर सकता है आपकी, आप जो कुछ चाहते थे वो नहीं मिलेगा, एक नेगेटिव थॉट आपको ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं प्लीज़ आपसे कह रहा हूँ, ध्यान दें, एनवायरनमेंट बेटर करें, बैड कंपनी आज ही छोड़ दें, बुरी आदतें आप छोड़ दें। देखो बुरी आदतें क्या हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बैड हैबिट्स लगाई नहीं जाती, लग जाती हैं। कैसे लगती हैं भाई, किसी को अगर जल्दी उठना है तो जल्दी उठना गुड हैबिट्स है, बट अगर वो जल्दी उठने के पीछे नहीं लगेगा तो क्या होगा बताइए, लेट उठेगा तो लेट उठना मतलब क्या हो गया, बैड हैबिट्स अपने आप लग गई। तो बैड हैबिट्स अपने आप लग जाती हैं, जब आप गुड हैबिट्स नहीं यूज करोगे तो बैड हैबिट्स लग जाती हैं। और ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने चैप्टर के बारे में बात किया है, कोशिश की है इसको बेहतर करने की, और भी हम आगे और वीडियोस बनाएंगे। अगर आपका ऐसे साथ मिला, आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेहतर करें, लोगों से भी कहें, थोड़ा माउथ पब्लिसिटी भी ज़रूरी होती है हर एक चीज़ में, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और इंतज़ार करें अगली वीडियो का जो हम गुरुवार को पोस्ट करेंगे।